हेलो फ्रेंड्स, मैं विषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी देखेंगे। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर 2 हमने एक्सरसाइज 2.5 से जितनी पहले की एक्सरसाइज थी और जितने इसके एग्जांपल के क्वेश्चन थे उन सबको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। और हमें अभी की वीडियो में क्या पढ़ना है, हमें अभी के जो इस क्लास में पढ़ना है वह है 2.5 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो इसमें आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। देख क्या लिखा हुआ है, 6x + 1/3 + 1 इक्वल्स है, यानी इक्वल है किसके, x - 3/6 के। क्योंकि चैप्टर हमारा है वन वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x नज़र आएगा और हमें इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर दो वेरिएबल होते, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर दो वेरिएबल होते x और y, तो यहाँ पर इक्वेशन एक नहीं इक्वेशन भी दो होती, तो उसे करने का हमारा तरीका अलग हो जाता है। हमें सिर्फ किस पे बात करनी है, वन वेरिएबल पे। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कि उन्होंने क्या कहा है कि 6 की मल्टीप्लाई कर दी है दोनों साइड। आप इसे किसी भी मेथड से यानी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। मान लीजिए हमने इसे इस तरीके से किया कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, या हम ये कहें कि टेकिंग एलसीएम फ्रॉम LHS साइड, यानी कि LHS साइड का हमने क्या कर लिया, LCM ले लिया, taking LCM on LHS साइड। LHS साइड का जैसे ही हम LCM लेंगे तो LCM में क्या आएगा, 6x + 1 + 3/3 इक्वल किसके आ गया, x - 3/6 के। वैल्यू कितनी बनेगी है, 6x + 4/3 इक्वल्स x - 3/6। जैसे अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम ये कहें कि 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x + 4/3 और इसकी मल्टीप्लाई हमने 6 से कर दी, यानी कि 6 को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज, 2 टाइम में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से ही नहीं, इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी। तो ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा कि अगर हम 6 को दूसरी साइड लेकर आ रहे हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन जिसके साथ होगा वो पूरे के साथ में होगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी, 12x + 8 = x - 3। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 11x = -11 और x बराबर आएगा -1। देखिए ये x इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये 8 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो -3 - 8 = -11। चेक आपके इसमें दे रखा है एग्जाम्पल में, तो चेक कैसे करना है, तो चेक करने का तरीका ये रहता है कि हमें ट्रांसपोज नहीं करना है चेक के टाइम पर, सिर्फ x की वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है जहाँ पर x लिखा था, 6x + 1/3 + 1 = दूसरी साइड हमारी क्या वैल्यू थी, x - 3/6, यानी -1 - 3/6। हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा -6 + 1/3 + 1 = -4/6। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा -6 + 1 + 3 = -4/6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3 + 1 = 4, 4 - 6 हमारा बनेगा -2/3। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हम इसे काट देंगे, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, -2/3। एंड LHS = RHS, डैट मीन्स आर सोल्यूशन, जो x की वैल्यू निकली थी -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में चेक करने के लिए जब कहा जाए तभी चेक कीजिएगा, अदरवाइज हमें चेक नहीं करना है। एग्जाम्पल 17 देखते हैं, एग्जाम्पल 17 क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 17 दे रखा है, सॉल्व 5x - 2 ((2x - 7) = 2 × 3x - 1 + 7/2। देखिए यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो जाती है, सॉल्यूशन करते हैं और मिस्टेक को देखेंगे कि कहाँ एक्चुअल में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखिए 5x तो हम 5x लिखेंगे,
जैसे ही हम इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x। अब गलती यहाँ पर यह होती है कि अब हमें 2 की मल्टीप्लाई 7 से तो करनी है, लेकिन हमें सिर्फ 2 की नहीं माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो अक्सर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, हम इसे 2 × 7 − 14 लिख देते हैं, जबकि आना क्या है यहाँ प्लस का 14। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं उसके आगे जो साइन है वही पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। या हम ऐसे समझ लें कि माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होगा तो अंदर वाले जितने भी नंबर होंगे उनके आगे जो भी साइन होगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर अंदर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और हमें यहाँ से माइनस बाहर निकालना है, तो जैसे ही हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा और इस माइनस का प्लस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाए या ब्रैकेट से बाहर आए वो दोनों ही केसेस में साइन बदलता हुआ बाहर या अंदर जाएगा। अब हम इसे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, RHS साइड यहाँ हो जाए 6x माइनस का 2, ध्यान रखिएगा 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, प्लस का 7/2। सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा x प्लस 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम की बात करें तो यहाँ कितना बनेगा अपॉन में 2 माइनस 4 प्लस का 7, यहाँ पे कितना आ जाए, या हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ आएगा 12x माइनस का 4 प्लस का 7 बराबर है इसके। अब ये 2 जो है ये इधर की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब ध्यान रखिएगा अगर हम 2 को इधर ला रहे हैं तो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई 28 इक्वल्स 12x प्लस का 3, और एक तरफ 12x जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 3 और यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 12x माइनस का 2x, इधर आएगा हमारा 10x इक्वल्स का 25, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 25/10 यानी 2 5 जा और 5 5 जा, यानी कि x बराबर आएगा 2.5, यानी x बराबर 5/2 और 2.5। यहाँ हम इस तरीके से एरो मार्क जरूर करेंगे जिससे ये पता चलता रहे कि हमारा ये यहाँ के बाद में टर्मिनेट हो गया और अगली स्टेटमेंट यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई, यानी अगला सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। तो इसे भी चेक करना है, देखिए अगर बोला जाएगा एग्ज़ाम में तो हमें चेक करना है, अदरवाइज़ हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए करने के कोई भी तरीका अपनाइए, बस आपका तरीका वैलिड होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहें तो पहले ही इन दोनों वैल्यूज़ को इधर उधर ले जाइए उसके बाद एलसीएम लीजिए, या फिर पहले ही एलसीएम ले लीजिए उसके बाद में ट्रांसपोज करिए, कोई ऐसे भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम करते हैं किसे किस तरीके से, इसे हम पहले ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाए और सिंपल जो कॉन्स्टेंट है वो एक तरफ आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 3x माइनस का 2x इक्वल्स, यहाँ पे एलसीएम आएगा 20, तो 5 प्लस का 4, हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा x बाय 6 इक्वल्स का 9/20। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 6/20, देखिए जो कटेगा उसे हम काट देंगे 3 × 10 × 9 × 3 = 27, 27/10 इसका आंसर होगा। अगर हमें इसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसे रिजल्ट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, आंसर कितना आया हमारा 27/10। तो एक्स की जगह लिखेंगे 27/10 × 2 माइनस का 1/5 इक्वल 27/10 × 3 प्लस का 1/4, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 27/20 माइनस का 1/5, इधर कितना आएगा 3 × 9 = 27 यानी 9/10 प्लस का 1/4, एलसीएम इधर आएगा 20, 27 माइनस 5 4 जाए यानी 4 आएगा, और इधर एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 10 और 4 की टेबल में 20 आता है तो ये 18 प्लस 5, इधर आया 23/20 और इधर भी कितना आ गया 23/20। इस तरीके से हमारा देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो एकदम करेक्ट है। हम सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, चेक करना भी
क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए भी कह दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन n बाय टू माइनस का 3n बाय फोर प्लस 5n बाय सिक्स इक्वल्स का 21। देखिए ऊपर n की फॉर्म में, यानी कि n क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2, 4 और 6 तीनों नंबर का अगर हम मल्टीपल ढूंढें, एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो हमें मल्टीप्लायर नज़र आएगा 12। 12 से छोटा जो मल्टीप्लायर है, 12 6 की टेबल में भी आता है, 4 में भी और 2 की में भी आता है, और यही सबसे छोटा भी है इन तीनों के केस में। तो यहाँ पे आएगा 6n माइनस 4 3 जाए यानी कि 9n प्लस 6 इंटू 2 करेंगे तब 12 आएगा, यानी कि ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो जाएगा 10n इक्वल्स का 21। इसे भी हटा देते हैं, हम चेक कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 और 6 16, 16 में से यदि हम, या हम ऐसे कह दें कि 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, तो बचेगा कितना 7n बाय 12 इक्वल्स का 21। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n कैसे निकलेगा, n बराबर 21 इंटू का 12 अपॉन में 7, 7 3 जा 21, n की वैल्यू आएगी 36। अब हम इस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करना हमारे लिए आसान है, 36 बाय 2 माइनस का 3 इंटू 36 बाय 4 प्लस का 5 इंटू 36 बाय 6, और ये वैल्यू 21 के बराबर आनी चाहिए। देखिए 30 9 4 जो 36, यानी कि यहाँ आएगा माइनस का 27, सॉल्व करेंगे प्लस का 3 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 3 इज 21, आंसर आ गया हमारा 21, सॉरी आंसर नहीं, ये वैल्यू बराबर है किसके, 21 के। तो यहाँ पे LHS किसके बराबर आ जाएगा हमारा, RHS के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो सल्यूशन निकाला है, n की वैल्यू 36, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, x प्लस 7 माइनस का 8x बाय 3। देखिए यहाँ पे 8x बाय 3 के बीचों बीच माइनस है, तो आप इस माइनस को चाहे ऊपर कंसीडर करिए चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 बाय 6 माइनस का 5x बाय 2। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो नंबर यानी कि जो वेरिएबल पार्ट है उसे एक तरफ रहने देते हैं, और जो हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उन्हें एक तरफ, x माइनस का 8x बाय 3 ये माइनस का इधर ले आते हैं, बराबर 17 बाय 6, और ये प्लस का 7 है यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 7। सॉल्व करेंगे एलसीएम 6 आएगा, 6x माइनस का देखिए 2 टाइम में आएगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमें, 3 इंटू 2 करेंगे तब 6 आएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से होगी, तो 5 3 जा 15x इक्वल, एलसीएम 6 आएगा 17 माइनस 7 6 जा 42 होता है, तो यहाँ पे 42 आ गया। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 1 और 6 माइनस 1 इज 5x डिवाइड बाय 6 इक्वल, अब 17 माइनस 42 है, तो अब हमें इसमें से माइनस करना था, देखिए 7 5 12 और यहाँ पे आएगा हमारा 2, यहाँ पे 25 आ जाएगा लेकिन माइनस का। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिए ये जो 6 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला 6 ऊपर आएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, माइनस का 25 बाय 5, इसे भी अगर हम काटें तो ये आएगा माइनस का 5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें इसे चेक करना है, x की वैल्यू हमारी आई है माइनस 5, हम दोनों तरफ माइनस 5 ही पुट करेंगे, ट्रांसपोज नहीं करेंगे जब हम इसे रिजल्ट को चेक कर रहे होंगे तब। माइनस 5 डिवाइड बाय 3 बराबर का 17 बाय 6 माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 2, सॉल्व करते हैं इसे, देखिए माइनस 5 प्लस का 7 माइनस का 40 बाय 3 इक्वल 17 बाय 6 माइनस माइनस प्लस का 25 बाय 2, ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ हम इस पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा बना लेते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें तो 7 और 5 यहाँ पे 2 बचेगा, 2 माइनस का 40 बटे में 3 बराबर का 17 बटे में 6 प्लस 25 बटे में 2। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगा 3 6 माइनस 40 इक्वल, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे 6 17 प्लस यहाँ पे 3 टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम में यहाँ पर कितना हो जाएगा 75। अब देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का 34
बाय थ्री, और यहाँ पर कितना बनेगा, सात पाँच बारह कैरी एक, सात आठ नौ अपॉन में छः। हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं माइनस का 34/3 और यहाँ पे बनना चाहिए था 68। देखिए यहाँ 68 नहीं बनना, इसका मतलब हमने कहीं यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। एक बार चेक करते हैं रिजल्ट, माइनस फाइव यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस का 40, तो यहाँ पे प्लस 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो ध्यान यहाँ पे आएगा हमारा 46/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 46/3 है, इसे काटेंगे 3 × 2 और यहाँ पर भी कटेगा 46 टाइम में, तो दोनों तरफ कितना आएगा 46/3। तो ये हमारा LHS बराबर हो गया RHS के, डेट मीन्स जो हमारा आंसर निकल कर आया x की वैल्यू -5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इसके बाद के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x माइनस फाइव अपॉन में 3 इक्वल है x माइनस 3 अपॉन में 5 के। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के यहाँ पर लिखा होता माइनस का 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइनस 5 से माइनस 5 काट देंगे। ध्यान रखिएगा कभी कभी इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है, तो हमें इस पे ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये वैल्यूज़ नहीं कटेगी। मान लीजिए यहाँ x माइनस 5 लिखा है और यहाँ पर 3x माइनस 5, तो भी हमें 5 से 5 नहीं काटना है, या हम x से x नहीं काटेंगे। तो ये वैल्यूज़ कब कटती हैं, जब दोनों तरफ सेम वैल्यू, यानी कि अगर यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर x माइनस 3 है, उस केस में हम इसे नहीं काटेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम ये कहें कि ट्रांसपोज कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से, लेकिन ध्यान रखेंगे ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5x माइनस 25 इक्वल 3x माइनस का 9। ट्रांसपोज करते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल माइनस 9 प्लस का 25। अब देखिए 25 में से हमें 9 घटाना है, तो आएगा कितना 16, इधर कितना आएगा 2x और x बराबर आ जाएगा 8। हम इस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल है 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 के। देखिए इधर आएगा 3 बाय 5 8 में से 5 जाएंगे 3/3, इधर आएगा 5/5 और दोनों तरफ वैल्यू आ जाएगी 1/1, यानी कि LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब x बराबर 8 इसका सल्यूशन हो जाएगा, हैंस x इक्वल्स टू 8 इज द रिक्वायर्ड सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 3t माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान रखना हमें, देखिए यहाँ लिखा है 2t प्लस का 3 अपॉन में 3, और ये जो माइनस है ये बीचों बीच लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, और मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि माइनस जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 2/3 माइनस का टी, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। बेटर यह है कि हम क्या करें, सभी टी को एक तरफ ले आते हैं और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो हम इसे जो चेक पार्ट होगा उसे हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे। तो देखिए इसे यहाँ पे लिखते हैं 3t माइनस का 2/4, बीच में माइनस का 2t प्लस का 3/3, माइनस टी को भी इधर ले आते तो ये हो जाएगा प्लस का टी, इक्वल्स का आएगा 2/3। अब यहाँ पे हम चेक आसानी से कर लेंगे। अब इसका तो क्या लेंगे हम LCM, तो यहाँ आएगा LCM 12, जैसे ही LCM आएगा यानी कि 4 को 12 बनाने 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, यहाँ पे माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 के साथ में, और यहाँ पर 12t क्योंकि t के अपॉन में 1 है, बराबर का आएगा 2/3। सॉल्व करेंगे, देखिए 90 माइनस का 6 माइनस का 80, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी विद साइन, तो देखिए साइन की वजह से अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12t अपॉन में 12 इक्वल्स होगा हमारा 2/3 के। देखिए 9 और 8 17 में से 12 अगर हम 17 है ये सॉरी 9 में से 8 जाएगा 1 और 12 13 13t माइनस 12 और 6 18 अपॉन में 12 इक्वल आएगा 2/3 के। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे पहले 12 को इधर ले जाते हैं, 2/3 इंटू का
12, तो देखिए 3 4 12, 4 2 8 आ गया 13t माइनस का 18 इक्वल्स टू 8, और 13t बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस का 18 18 2 18 और 8 26, 26 बराबर 13t, और t बराबर कितना आ जाएगा 26 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, t बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो देखिए जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ पे हमें सिर्फ 2 पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं। 2 इंटू 2 प्लस का 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स का 2 बाय 3 माइनस का 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 इज 4, 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 और 7 बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस का 2। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 7 बराबर का 3 एलसीएम आएगा, 2 माइनस का 6 माइनस 4 बाय 3, इधर भी देखिए माइनस 4 बाय 3, यानी कि जो हमारा x इक्वल्स टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। m माइनस, देखिए बीचों बीच दे रखा है m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, यहां पर भी बीच में दे रखा है m माइनस 2 बाय 3। हमें क्या करना है, अगर हमें इस माइनस के साइन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये वाला माइनस इसे इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, इससे होगा क्या ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, या फिर हम सारे m को एक तरफ ले आते हैं और बाकी कांस्टेंट को एक तरफ। तो देखिए इसे हम लिखेंगे m बाय 1 माइनस का m माइनस 1 बाय 2, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस। तो ध्यान रखिएगा ये जो माइनस है इस पूरे के साथ में है, अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये ब्रैकेट है, ये पूरा इधर आएगा तो इस माइनस का साइन प्लस होगा, ये अंदर का जो भी था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बराबर का 1। कहने मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने इस ब्रैकेट को खोला होता तो यहाँ आता माइनस का m बाय 3 और यहाँ पर आ जाता माइनस माइनस प्लस का 2 बाय 3। अब अगर ये वैल्यू दूसरी तरफ आएगी तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, देखिए प्लस बन गया, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। तो इसीलिए जब हम ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ लाते हैं पूरे ब्रैकेट के बाहर जो साइन है इसे चेंज करेंगे, अंदर के साइन को फिर एज इट इज़ लिख देंगे। एलसीएम आएगा 6, 6m माइनस का 3 की मल्टीप्लाई होगी m माइनस 1 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी m माइनस 2 से, इक्वल टू आएगा 1 के। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए यहाँ पे 6m माइनस का 3m प्लस का n प्लस का 3 प्लस हो जाएगा, देखिए 3 ऊपर एक बार मिस्टेक हो गई है, अब ध्यान रखेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी भी इससे, तो प्लस का 3 प्लस का 2m माइनस का 4 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1। 6 में से 3 जाएंगे 3, 3 दो 5, 5m माइनस का 1 बटे में 6 इक्वल्स टू 8, 6 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5m बराबर कितना आएगा 6, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी 7 बाय 5, यानी कि 7 बाय 5 इसका आंसर होगा। हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट कितना आया 7 बाय 5, एम की जगह रखेंगे 7 बाय 5 माइनस, इधर रखेंगे 7 बाय 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ कितना आएगा 7 बाय 5 माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं करना है, देखिए ये तो 7 बाय 5 एज इट इज आ जाएगा माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 5, तो जो 5 एलसीएम आएगा वो इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा 7 माइनस 5 इक्वल 1, के नीचे कुछ भी नहीं है माइनस, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो जो 5 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस का 5 इंटू 2 10, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा 7 बाय 5 माइनस का 2 बाय 10 बराबर 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ कितना आएगा माइनस 3 अपॉन में 5 इंटू 3, यानी कि 15 लिख दें, या हम इसे 5 इंटू 3 रहने देते हैं, इससे होगा क्या इस पर ध्यान देते हैं, तो देखिए 5 इंटू का 3, 3 से 3 कट जाएगा लेकिन यहाँ माइनस 1 रहेगा, 2 5 जा 10,
तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 1 बाय 5 आ गया, और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 1 अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 बाय 5, और इधर भी देखिए कितना आ गया 5, 5 प्लस 1 डेट इज 6 बाय 5। अब एक बार बात करते हैं ये जो हमने ऊपर यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया इसके समझते हैं। देखिए क्या लिखा है 7 बाय 5, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर मान लीजिए कि चेक करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए और हमें सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें जरूर समझना है। 7 बाय 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2, सिर्फ इसी पार्ट की बात करते हैं। देखिए 7 बाय 5 को तो 7 बाय 5 रहने दीजिए, माइनस को माइनस, अपॉन में 2 है यहाँ पर 2 ही रहेगा, इस की बात करते हैं सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट की। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम आएगा ऊपर 5, 7 माइनस 5, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हो 3/6 और सॉरी 3/5 कर लेते हैं इसे, और इसकी डिवाइड आपको करनी पड़े 2/3 से, तो ये डिवाइड कैसे होगी? देखिए ये लिखा हुआ है 3/5 डिवाइड बाय 2/3, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई का, पलट जाते हैं नंबर 3/2, कुछ ये चीज़ लिखी हुई है। अब मान लीजिए कि यहाँ लिखा हो 3/5 डिवाइड बाय सिर्फ 2, अब हम कैसे लिखेंगे 3/5 को डिवाइड करना है किससे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1/2 मान लेंगे, 1/2 मान लिया तो इसे क्या लिखेंगे 3/5 इंटू का 2, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या था हमारा 2/1, ये डिवाइड तो 2/1 से ही हो रहा है, डिवाइड है 2/1, अब पलट जाएगा कितना आएगा 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं ये जो 5 है ये एक्चुअल में इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई में आ गया है। यहाँ पर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे तो हमने क्या देखा कि इसे किस तरीके से लिखते हैं, तो 3/5 को तो 3/5 लिख देंगे, इन दोनों को हम पलट देंगे तो पलट के आएगा 3/2, और वही काम हमने यहाँ करा है 3/5 को तो 3/5 रहने दिया और इसे हमने पलट के लिख दिया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में 2 था उसके साथ में ये वाला नंबर यानी 5 मल्टीप्लाई में हो रहा है, वही काम हमने यहाँ पर भी करा है। 7/5 को 7/5 माइनस का, यहाँ कितना लिखा है 2/5 और इसके नीचे कितना है 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7/5 को 7/5 माइनस का 2/5 इनटू का, इस 2 को क्या लिखेंगे 2/1 को 1/2, तो ये 1 तो ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली 2/5 इनटू का 2 हमने यहाँ पर कर दिया, वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है 2/5 या जो भी यहाँ पर बनना था 7-5 यानी कि 2 अपॉन में 5, इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए छोटी छोटी ये चीज़ें हैं और ये हमने पिछली क्लासेज में भी आपने सीख रखी होंगी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है 2t+1 सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसे ईजी फॉर्म में करिए और ईजी फॉर्म में बदलिए और उसके बाद में सॉल्व करिए, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तरफ ले आते हैं तो 10t+-10t इक्वल्स टू 5+9, 5+9 इज 14 और यहाँ आएगा माइनस का 7t। सो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, क्योंकि 14 इसके अपॉन में जाएगा और माइनस भी इसके अपॉन में आएगा, तो माइनस ऊपर नीचे कहीं पे भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टी हैज अ वैल्यू -2। चेक करना है तो 3 × -2 + -3 5 × 2 × -2 + 1 3 × 3 −2 और -3 कितना होता है -5। देखिए जब दोनों साइन माइनस के हो तो वैल्यू तो जुड़ेगी लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, 5 − −4 + 1 ये हो जाएगा हमारा -3 और इधर लिखा हुआ है 3 − 5 −15 = −15 यानी कि LHS बराबर RHS है, therefore the required solution of this given equation is t = −2 ये हमारा आंसर होगा। 8th क्वेश्चन 15 y − 4 − 2 y − 9 + 5 y + 6 = 0। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है तो ये जितना भी लिखा हुआ है इस पूरे को अगर हम इस तरफ ले आए
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का था यहाँ माइनस, बराबर किसके आएगा, जीरो के। तो ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम किसी एक वैल्यू को, मान लीजिए माइनस वाली वैल्यूज को इधर की तरफ ले जाएं, तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 15y माइनस 15 फोर जै 60 माइनस का 2y, 2 9 जै 18, लेकिन साइन अब प्लस का आएगा, प्लस का 5y प्लस का 30 इक्वल्स टू जीरो। 15 और 5 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18y, 60 में से 30 घटाएंगे माइनस 30, माइनस 30 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल्स टू जीरो। अब ये माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18y कितना आएगा, 12 के बराबर, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 12/18। अब देखिए 6 टाइम में कट जाएगा 2/3, 2 6 12, 6 3 3 6 18, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। अब हम इसे चेक करते हैं, 15 ब्रैकेट में 2/3 माइनस का 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस का 9 प्लस 5 ब्रैकेट में 2/3 प्लस का 6 इक्वल्स टू जीरो। हमें जीरो के बराबर लाना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 माइनस 4 3 जै 12 अपॉन में 3 माइनस 2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3, तो इसे इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 9 3 जै 27 प्लस 5 ब्रैकेट में, यहाँ एलसीएम लेंगे इसी तरीके से लिखते हैं इसे भी, 2 प्लस का 18 अपॉन में 3। देखिए सबके नीचे 3 है तो हम इसे 3 को 5 से नहीं, 15 से नहीं काटेंगे, क्योंकि फिर दोबारा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेस्ट क्या है इसे एज इट इज छोड़िए, ये बराबर हमें जीरो के लाना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 15 इंटू माइनस 10 माइनस का 2 इंटू माइनस का 25 प्लस का 5 इंटू 20 अपॉन में इसके 3 आएगा इक्वल्स टू जीरो, हमें इसे जीरो के बराबर लाना है। तो देखिए माइनस का 150 माइनस, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस का 50 है और ये प्लस का 100 है अपॉन में 3। देखिए 150 आएगा, 150 में से 150 जाएगा जीरो, 0/3 किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर किसके आ गया, RHS के बराबर आ गया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, जो हमने PQ रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी समझा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 3 ब्रैकेट में 5z माइनस का 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इक्वल है 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस का 17 के, और हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 3 5 15z माइनस का 21 माइनस का 18z। अब देखिए माइनस 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 22 इक्वल 32z, 13 4 52 माइनस का 17, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे देखते हैं, देखिए 15 और ये सारी z वाली वैल्यूज एक तरफ, सारी कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं, फिलहाल में इसे जोड़ लेते हैं, ये आसान है मान लीजिए जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3z। तो बेस्ट क्या है, बाद में हम इसे ले जाएंगे, एक तरफ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और ये आएगा हमारा 32z माइनस का 7 2 9 3 6, तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन। अब क्या करना है, माइनस का 3z 32z को इधर ले आते हैं और इस माइनस 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 35z बराबर आएगा माइनस 70 के। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, हम जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस 70 डिवाइड बाय माइनस का 35, माइनस और माइनस कट गया 2 टाइम, यानी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के बराबर आएगी। अब रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है, तो जहाँ जहाँ जेड लिखा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो हम चेक करके देख लेते हैं एक बार, 3 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 माइनस का 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में 9 इंटू 2 माइनस का 11 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 8 इंटू 2 माइनस 13 माइनस का 17। ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों तरफ LHS और RHS को इंडिविजुअली सॉल्व करना है और बाद में जाके हमें इक्वल दिखाना होगा। तो देखिए 5 इंटू 2 इज 10, पहले मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस 7 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9,
माइनस 9 टू 18, 18 में से 11 माइनस करेंगे 7 और 7 टू जो 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 5. 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 13 इज 3, 4 3 जो 12, माइनस का 17. इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ भी आएगा माइनस का 5, यानी कि एल एच एस किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया. डेट मीन्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 2. लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 0.25, देखिए इसे 0.25 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम जब भी पढ़ा जाएगा, यानी कि अगर आपके सामने ये नंबर लिखा हो तो इसे कभी भी 6.375 नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे 6.375. ये जो बाद की डिजिट होती है इसे हमें इंडिविजुअल पढ़ना पड़ता है. मान लीजिए यहाँ लिखा 46, तो इसे पढ़ेंगे 46. आगे की डिजिट डेसिमल पॉइंट के डेसिमल से आगे की जो डिजिट है इसे हम पूरा एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं 46 पॉइंट, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे 46.375. अगर ये ऐसे होता, अब अगर हमसे कहा जाए कि अब क्या लिखा हुआ है इसे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसे 46.37, यानी बाद की डिजिट को हमें इंडिविजुअली पढ़ना रहता है. तो अब देखिए इसे आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है 4f-3=0.05 10f-9. हमें इसे सॉल्व करना है. तो देखिए जो पॉइंट की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसके अपॉन में 100 लगा दीजिए. जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट की प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, तो इसके पॉइंट हटाएंगे. दो डिजिट है पीछे से, दो डिजिट पीछे से डिजिट काउंट करनी है, और जितनी पीछे से डिजिट है उतने ही जीरो लगा दीजिए. तो देखिए यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा. अब देखिए क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा. कैसे 25 × 4 100f / 100, देखिए ये जो 100 है इसे बाहर रख दीजिए, 100f माइनस का 25 × 3 = 75, 5 की मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 50f माइनस का 45, और ये जो 100 था ये अपॉन में बाहर ही रह गया. अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 100 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 100f माइनस का 75. इस 100 को हम इस तरफ ले आते हैं ट्रांसपोज, 100/100 ब्रैकेट में 50f माइनस का 45, 100 से 100 कट गया, पॉइंट हमारा गायब हो चुका है. अब हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे, 100f माइनस का 50f इक्वल्स टू माइनस का 45 प्लस का 75, यहाँ पे बचेगा 30, यहाँ पर आएगा माइनस का प्लस का 50f, f की वैल्यू आ जाएगी 3/5. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी आएगी 3/5. अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं, यानी चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही है या नहीं. देखिए एक और चीज़, मान लीजिए कि ये पॉइंट में है, अब मुझसे कहा जाए कि इसे डिवाइड करके डेसिमल में लाइए, तो बेस्ट क्या है हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 करें, इसके बजाय हम क्या करते हैं 3/5 को 5 को डिनोमिनेटर में 0 लाने की कोशिश करिए. 0 जब आएगा, जब अपॉन में 2 आएगा, तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 6/10 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, यानी कि सीधे हम लिख देंगे 0.6. तो देखिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं हुई. तो इस तरीके से भी हम डिवीज़न के मेथड, यानी कि हम इस तरीके से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने डेसिमल की वैल्यूज निकाल सकते हैं. अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट में था, तो डेसिमल के अकॉर्डिंग ही सब सॉल्व कर लेंगे. 4 × 0.6 - 3 = 0.05 10 × 0.6 - 9. देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 6 × 4 = 24 आएगा, तो ये 0.24 - 3 = 0.05 × इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि 60 आ जाए, 10 × 6 = 60 लिखा, लेकिन एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो माइनस का 9. अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.25, 3 में से 2.4 माइनस करना है, तो 3 है तो हम इसे 3.0 लिखेंगे, और 2.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तब हमें माइनस करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, ये आएगा 0.6 लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पर बड़ी है, 0.05, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 6 - 9 = 3 लेकिन माइनस का. अब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 × 6 = 150, हमने 150 लिखा, माइनस है तो माइनस लगाया. अब पॉइंट काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 3 के बाद में हम यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर देंगे. यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 3 = 15,
अब यहाँ पर एक और दो, दो के बाद में हमने पॉइंट प्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर माइनस भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 0.150 और यहाँ लिखा है 0.15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे आप इसके पीछे कितने भी जीरो प्लेस कर दीजिए, ये एक ही बात रहेगी। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर निकल कर आया है, कितना हमारा आंसर आया था 3/5, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी LHS बराबर किसके आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर के यहाँ तक के किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।